माशाल्लाह से यहाँ पे कितना क्राउड लग रहा है। क्राउड को अपने ऊपर अटैक करने के लिए बताऊं भाई के पास आए थे भाई, बहुत अच्छी आदत लगी भाई आपकी। बैक टू गाइस, मैं न्यू व्लॉग ऐप कर दूंगा बच्चों की। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर से शेरी में, और मुझे कमेंट करके बता देना मैंने रमजान के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मैं ना खुश हो गया, और खुश क्यों हो गया भाई, मैं ना रील बना के लाता है इतनी प्यारी सी, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। रियान व्लॉग आईडी तो मुझसे इतनी प्यारी बन गई, इतनी प्यारी बन गई इतनी मैंने सोची नहीं थी। कमेंट करके बता देना की कैसी लग रही है हमारी रील, जल्दी से जाओ और देख के आओ। ना रोज के रोज ना शेरियों में आ रहा, पता नहीं अभी इसको ना अब्बू से शिकायत करनी पड़ेगी। अब्बू तो सोने चले जाते हैं, तो ये घूमता फिरता रहता है। मैं बाहर रोज घूमता हूँ, घूमने के लिए पैसा चाहिए, गरीब जो कुछ कर रही है गरीब। तो गाइस कल से हम भी बाहर घूमेंगे शेरी तक, और देखो टाइम लम्बे बता देना कमेंट करेगा अगर लम्बे हो तो। मम्मी बना रही है खोगी ना, और बाहर से भाई लेकर आया नारी और लेकर पुलाव, तो आज तो फिर शेरी में दोबारा मजा आने वाला है। खोगी ना भी देख लिया आपने, नारी भी देख ली आपने, पुलाव भी देख लिया, लेकिन मेरी फेवरेट चीज नहीं देखी, शीर। ये बहुत बढ़िया लगती है भाई शेरी में ना। मैं एक घंटे पहले शेरी करा दिया ना, फिर आराम से फारिग हो जाते हैं, कुछ भी कर लो शेरी करके। बिल्कुल टाइम से टाइम करते हो ना भाई, फिर नमाज में भी इतनी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, इसलिए पहले करो, आराम से बैठो, फिर वजू करो, सीधा नमाज पढ़ने जाओ। ये रहा पिंकी, पिंकी दस्तरखान, इसे भी छाते हैं, फिर करेंगे शेरी। हमारा ये हूर है भाई, अपने छोटे छोटे से चने इसे फेंक के चला जाता है, इसमें माल लगानी पड़ेगी, इसे ऊपर भग गया अभी तो। देखो मैं थोड़ी सी अपनी वाली रील की बात कर रहा था, और थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ कैसी है। पूरी देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम में मेरे पेज पे जाना मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, और यहाँ पे फोटो आ रहा होगा, जल्दी से आगे सर्च करके रील देखो। ये लग गया नारी में तड़का, ओफो भाई घी डाल के ना जो इसमें मजा आता है ना, बस आपने ट्राई करके देखना कितना खतरनाक लगता है। एक तो वैसे अच्छी लगती है, और इसमें गरम घी का तड़का लगा दो फिर तो कुछ कहने नहीं। शेरी का वक्त हो गया है, कृपया शेरी कर ले और उठ जाए। मम्मी तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने मोहल्ले वालों को उठाया है, शेरी कर लो, सो रहे थे सारे, सवाब मिलेगा। पता क्या कह रहा है, सवाब के साथ कबाब मिले तो मजा ही आया। चलो 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 ठीक है, चलो 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 चलो। फाइनली अपनी सारी चीज आ चुकी है, खोगी ना, नहारी, पुलाओ और शीर। फटाफट पढ़ते हैं अपनी शेरी पर बिस्मिल्लाह। मेरे लिए स्पेशल चाय बनकर आ चुकी है, इन गरीबों को नहीं दिए तो हम यही कह रहे हैं भेदभाव क्यों करा, भेदभाव कर रही हो, मुझे चाय नहीं है रिहान को, चाय मिल गई, रिहान चाय का लवर है, तू चाय का लवर नहीं। अब बोल, गरीब तू गरीब। देखो भूत खराब तोलिया ओढ़ के कहाँ जा रहा है भूत, तेरे घर में। मेरी में तो खाना पीना सब कर लिया, बस मेरी चाय रह गई है, चाय पीते हैं फटाफट से, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज पढ़ने जाएंगे, फिर घर आके अपना सो जाएंगे। हमारा हुरू है नीचे जाने की ताड़ में रहता है। मैंने शेरी कर लिया, और भाई आज ना यहाँ तक खा लिया, देखो भाई दिल्ली से नारी लिया तो वो ना भाई बस पूछो मत कितनी टेस्टी हो रही थी, तो खाया जा रहा था। और अम्मी ने ऊपर जो शीर भी दे दी थी फेवरेट, तो हो गया था, तो अब शेरी कर लिया, अब चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने। जो है ना ये कूट दी जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जब जमीन पर सलसला आएगा फिर अल्लाह क्या करेगा, ये पहाड़ जो जमे हुए। दूसरा डे हो चुका है, और मैंने आज सोने में इतना लेट उठ गया, लेट उठ गया, आज अम्मी ने मुझे उठाया नहीं, जोर की नमाज छुटवा दी। अम्मी क्यों नहीं उठाया तुमने मुझे, हैं क्या नहीं बोल, तो भाई अम्मी ना गुस्से हो चुकी है, खुद अपना आप उठाएगा, तेरे को गुस्सा मत करो सही, लेकिन तुम उठाओगी ना पहले। भाई वो उठ जाता, मैं नहीं उठ पाता, क्योंकि भाई देखो मैंने इसलिए नहीं उठ पाया, क्योंकि मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद ना व्लॉग एडिट करा था, तो भाई मैं इसलिए ना मेरी हालत टाइट हो गई थी, मैं लेट उठा, मतलब जोहर की नमाज छूट गई बस इतना हो गया, लेकिन असर की मिल गई, और असर की मैं पढ़ के आ चुका हूँ। और अभी अम्मी ने सबसे पहले उठते काम दे दिया है, कपड़े लिया, हाँ से लिया भाई कपड़े, परहेज से लिया नए कपड़े, मतलब अपने सबसे पहले फोन से बना रहा हूँ, सबसे पहले व्लॉग है ना लिस्ट से स्टार्ट करा था, और आज दोबारा कर दिया, क्योंकि भाई मेरा देखो वीडियो सेव हो रही है, और मेरा फोन यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसलिए बेचारे को यहाँ रख रखा है। हमारी बुलेट में ना साइलेंसर भी चेंज हो गया, देखो ये वाला पुराना वाला लग चुका है, लेकिन अपनी कल लो चलाएंगे, अब भाई बुलेट बुलेट नहीं चलाएंगे। चल भाई जल्दी सेट कपड़े लेने जाने, फिर रोज अफ तैयार होया कभी बंद करके चला आया, और फिर कल क्या पहनेंगे अगर दुकान बंद करके चला गया, वो है परेश के। चलो चलो जल्दी से भगाते अपनी कल्लो को, और यहाँ से ना आराम से निकालो भाई, बच्चे ना यूं ही आ जाते हैं आगे, बिल्कुल साथ हो चुका है यहाँ पर भी पोपट अंकल ने। परेश के कपड़े पूरे नहीं करे, बस थोड़े से रहेगा, थोड़े से रहेगा, तो अंकल कब आऊं, रोज 6:30 बजे, 6 बजे हाँ 6:07 मिनट 6 बजने में 6:30 बजे आ जाऊंगा, ये रोजे के बाद आ जाऊंगा, 6 बजे आ जाऊंगा, चलो रोजे से 6:30 बजे
10 मिनट पहले आ जाऊंगा, चलो अल्लाह हाफिज़, 10 मिनट पहले आऊंगा। भाई मैं ब्लॉग के चक्कर में ना, मजे मजे के चक्कर में ना, इतनी तेज उड़ता गाड़ी से, इतनी तेज उड़ता वो केस उड़ता है। अभी जब भाई मैंने की थी ना इसके साथ बैठ के, और इसे गाड़ी चलानी आनी थी, तो मैंने इसे ड्राइवर बना दिया भाई, ये तो मुझे गाड़ियों में बाढ़ देता। तो मुझे अब पता चली आगे कि इससे गाड़ी नहीं चलानी आती। क्लिच को देखो भाई, यूं कर रहा था बंद का भी, मैंने फिर भाई गज से गाड़ी ले ली, फिर मैं चला रहा हूँ आराम से, काम करवा देता। स्कूटी आती है चलानी, लेकिन फिर भी बाइक ले ली इनने। तैयार होने में पूरे 30 मिनट है, जल्दी से घर पे चलते हैं फटाफट से, फिर कपड़े भी लेके आने। उनने फोन 7 बजे की बोली थी। देखो तुम्हारी वीडियो बना रहा हूं, बुलेट है। अल्लाह से अफ्तियारी का टाइम हो चुका है और सायरन भी इतनी तेज बज गया, तो जल्दी से करते हैं। और आज की अफ्तियारी ये है, भी पढ़ के आ चुका हूँ, लेकिन अब ना मुझे कपड़े चेंज करने तो नहाना पड़ेगा, क्योंकि रोज रख के ना नहाया नहीं आता यार, मुंह में बटन लगता है, मुंह में पानी चलाया, साबुन चलाया, कुछ ना कुछ चलाया था, तो इसलिए अभी नहा लेते हैं। चलो जल्दी से फटाफट से आपको नहा के मिलते हैं। तो भाई फाइनली सुकून मिल चुका है नहा के, एक अलग सी ऐसा लगता है एक परत सी हट गई है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी होती है ना, तो कुछ काम नहीं करना, सारे काम से हम फारिग हो चुके हैं। देखो हमें नमाज पढ़नी थी वो भी होगी, तरावी पढ़नी थी वो भी होगी, रोजा भी हो चुका है, बस अब हमें घूमना है रात को, और आज देखना है कहाँ जाए। वैसे तो भाई मैं भी बोर हो गया, रोज की रोज दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, और आप भी बोर हो रहे हो गए ना, तो आपको भी बोर नहीं करेंगे ना हम होंगे बोर। देखते हैं आज कुछ नई जगह जाएंगे, अगर नई जगह नहीं मिली ना भाई दिल्ली से ही चलेंगे। साथ ना भाई इतना गंदा पॉपट हो गया, देखो पहले तो हम आधे घंटे से ना पहले पैदल पैदल घूम रहे थे, और पैदल पैदल क्यों घूम रहे थे, क्योंकि भाई ना गाड़ी ले गया, रोज नहीं लेके जाता ना मैं लेके जाता, आज मुझे जरूरत थी ना कि गाड़ी दे दे, तो आज भेस भेस में वो गाड़ी लेके भाग गया। चलो कोई बात नहीं, उसे जाने दो, लेकिन ना एक बात बताऊं आपको, ये हम बुलेट निकाल के लिया है, लेकिन भाई एक बात बताऊं, अब्बू को नहीं पता हमने चुरा के लिया है। चुरा के कैसे लिया, नीचे का ताला खोला, बुलेट निकाली, सूम में गायब, मुश्किल में से बुलेट चुरा के लाया, बहुत ही मुश्किल में, बहुत ही रिक्स। अब्बू जब ब्लॉग देखेंगे ना, जब कहेंगे वाह भाई वाह बुलेट भी गायब कर दी, कोई बात नहीं तो मैं बुलाऊंगा फिर प्रसाद दूंगा। चलो अब अपनी बुलेट पे जल्दी से निकलते हैं फटाफट से। वैसे ना भाई मैंने घूम लिया हर घर कहीं भी ना भाई, रौनक नहीं हो रही, जो मजा है ना अपना वो जमा मस्जिद पे ही, और जमा मस्जिद में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा। मैंने ना बुलेट इसे चलाने के दे दी, क्योंकि यार ये बेचारा खुश हो जाता जब बुलेट चलाता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बुने ना मुझसे स्पेशल क्या, गाड़ी में तेल डलवाने जाओ तो हवा भी चेक करवा ले करो। चलो पेट्रोल पंप पे देखते हैं भाई, यार मुझे तो लग रहा है ये बंद है। चलो कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं, अगर खुल्ला होगा तो डलवा लेंगे। हवा डाल दो इसमें यार, बड़ी बड़ी इसमें कम हो जाती है, तो पता नहीं चलता इसके अलॉय व्हील से, पता नहीं चेक करके देख लेना हवा कम है या नहीं है। ये रहा ये रहा ये रहा, ओए अपने टायर पे हवा होने लगी, और अंकल ने ना एक सांस में ना मैं डरा दिया कि इसमें तो पंचर है, लेकिन वो ना नट वो नहीं खोला था, तो इसलिए ऐसा लग रहा था। अभी पूरी 40 हवा भरवाते हैं और फिर मजे करते हैं ना। पीछे वाले टायर में हवा लग रही थी, तो सबसे ज्यादा मेन ये है, देखो भाई ये पता नहीं ट्यूबलेस टायर है कौन सा टायर है, इसमें ना पता नहीं चलती अगर पंचर हो जाए या हवा कम है, लेकिन हम तो फिर भी भरवा के देख लेते हैं। पहले टायर में तो बिल्कुल ही कम, बिल्कुल 13 हवा थी 13, और लेकिन फिर भी टायर जो आते ना कूलर रहता है। अब इसमें कितनी है, इसमें लो 10 है भाई, पीछे वाले में कोई हद है, भरती 40 40। घूमने का ना अलग ही मजा, देखना बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम रहता, ना गर्मी ना कुछ हो, और पेट्रोल पंप में लाइट ही लाइट चमक रही है HP। तो भाई अपना हमारी गाड़ी ना बिल्कुल लूट के चल रही है, हवा भर गई ना तो हवा से ना बेकार चलती है, तो आप भी कभी भी कहीं भी जाओ तो पहले पेट्रोल डलवाओ और हवा चेक कराओ, क्योंकि अपने हाथ में ही अपनी सेफ्टी है। तो फटाफट से चलते हैं दिल्ली से। कमेंट करके बताना आपका भी दिल खुश हो जाता है जब मैं व्लॉग में दिखाता हूँ। भाई मैंने बुलेट लगा दिया पार्किंग में, यहाँ पे ना कोई खतरा नहीं है, यहाँ पे ना देखो सबों की गाड़ी पूरी बीच में लाइन से लगी रहती है। अभी चलते हैं अंदर, और रोज ना मैं आपको ना घुमा नहीं पाता, आज ना सही से घुमाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे मस्जिद में। दिन होते रहेंगे ना भाई उतना क्राउड बढ़ता रहेगा, यहाँ पे आप गाड़ियों से देख सकते हो पब्लिक कितनी है, और जो अंदर के इस साइड है ना यहाँ तो भाई पूरा भरा ही रहता है। और जहाँ मस्जिद देखो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं भाई, बिल्कुल 1 बजे भी ना देखो कितनी रौनक है, पब्लिक यहाँ तक शेरी तक रहती है, और देखो यहाँ पे बोर्ड भी लग गया आज या कल में ही लगा दी है भाई। इस गली की ना बात ही छोड़ दो, बिल्कुल पूरा ही भरा रहता है, पूरा ही पैर रखने की जगह नहीं रहेगी, तो थोड़े दिनों बाद ऐसा भी टाइम आने वाला है यहाँ पे। आप अभी कह रहे हो गए हम गलियों में क्यों आ गए, क्योंकि भाई हमें ना किसी भाई से मिलना भी था, तो उन्होंने फोन करा था। और भाई मैं एक बात बता दूं, इस जिस घर में हम चढ़ रहे हैं ना, इसमें भाई वो है 8वीं मंजिल पे, 10वीं छत लगा के 10 हो गई, 10 मंजिल। भाई मैं हैरान हो गया जब उन्होंने कहा ना कि 10वीं मंजिल, भाई 10वीं मंजिल मैंने तो पहली बार सुना है यहाँ पे 10वीं मंजिल है, जब भी तो कहते हैं दिल्ली छेंगे नहीं भी। बस भाई चढ़ते रहो चलते रहो, अभी तो हालत खराब होने वाली है अपनी सही से करके, तो भाई इसकी चर्बी घट जाएगी इतना। चल बेटा तेरे लिए तो फायदा, तू तो चलता रहे चलता रहे। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं बन के सवाली आया।
भाई ना देखो सारे बैठ के बात कर रहे थे तो इसलिए व्लॉग नहीं बना और अब सारे भाई जा रहे हैं बाहर। अभी ना भाई सारे भाइयों के साथ देखो जितने भी है ना हमारे साथ कह रहे हैं तो भाई अभी ना घूमने जा रहे हैं एक राउंड भाइयों के साथ। कितना मजा आ रहा है भाई, बस छत को बनानी पड़े, चलो कोई बात नहीं, अब नीचे बना रहे ना तो यही सही है। माशाल्लाह से यहाँ पे कितना क्राउड लग रहा है, अब क्राउड को अपने ऊपर अटैक करने के लिए बताओ हम क्या करते हैं। चल भाई ना, आपको पब्लिक नहीं देख रही तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मजाक कर सकते हो आप, तो फिर आपको ना सारी पब्लिक देखने लगेगी फिर। अल्लाह से भाई आज ना इतना क्राउड हो चुका है, इतना क्राउड हो चुका पब्लिक ना हद से ज्यादा। मैं कह रहा था ना थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर के पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और भाई यहाँ पे ना यही सीन हो चुका है, देख सकते हो आप कितनी भीड़ हो रही है। मस्जिद की गलियां ना अपने एक से एक गली देख रहे हो और एक से एक लोग से मिलने उन भाई के पास आए थे। भाई बहुत अच्छी आदत लगी भाई आपकी, बहुत बढ़िया। चलो अब चलते हैं घर पे, मिलते हैं फिर आपसे कभी, आप भी आना। चलो भाई घर की ओर चलो, लेकिन ना भाई यहाँ से ना जाने का जी भी नहीं कर रहा, इतनी रौनक हो रही है भाई, जाने का जी कर रहा है तेरा? बिल्कुल भी जाने का जी नहीं कर रहा क्योंकि रौनक इतनी हो रही है भाई पब्लिक की। सबसे बढ़िया तो मुझे लग रहा रमजान मुबारक। तो हे अपनी बुलेट देखो भाई अलग ही, अरे चाबी कहाँ जा रही है, अपनी बुलेट देखो अलग ही लग रही है खड़ी भी। चलो भाई जल्दी से इसे निकालते हैं, और भाई भी आया था लेकिन भाई हम ऊपर गए हुए थे तो इसलिए भाई हम भाई से नहीं मिल पाए, वो घर चला गया वापसी। अब चलो जल्दी से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं घर। तुम्हारा भाई चला रहा है यहाँ से गाड़ी चलाने में, क्योंकि यार मुझे भी तो बुलेट का मजे लेने लगी है, लेकिन यार साइलेंसर नहीं है तो अपना फील ही नहीं आती, साइलेंसर के बाद फील सी आती। लेकिन एक बात ये है, अब सर में दर्द भी नहीं हो रहा, साइलेंसर से सर में भी बहुत दर्द होता था, तो अच्छा करा जो भी करा, अब नहीं लगाएंगे साइलेंसर, अब अपनी नॉर्मल चलाएंगे बिल्कुल हिसाब से। अब्बू का कल रिएक्शन देखने लायक आएंगे और वो केस आएंगे, क्योंकि भाई हम बुलेट ठस्सम करके लाए थे। कोई बात नहीं, अब निकल गई तो निकल गई, आ चुके हैं। चलो सबसे पहले बोल देते हैं कमेंट, और पहला कमेंट है छोटा डॉन भाई का, तो नाम ही खतरनाक है तो कमेंट भी खतरनाक होगी। माशाल्लाह रियान भाई आप बहुत अच्छे हो, अल्लाह आपकी फैमिली को खुश रखे, शुक्रिया मेरे भाई। और दूसरा कमेंट है मुस्कान, माशाल्लाह आज हम भी जाने वाले थे जामा मस्जिद बट नहीं जा पाए, कोई बात नहीं कल चले जाना। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लाओ पैसे दे दो।